अपोजिशन ने इत्तेहादियों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मफाहिमत के बाद शकी नई सियासी चाल, आज चौधरी शुजात की आयादत करेंगे काफली का शौय का अहतमाम। परवेज इलाही, मुनस इलाही और तारिक बशीर शीमा भी शरीक होंगे। नून लीग और एमकेएम में भी गुर्बतें बढ़ने लगी। मुत्तहिदा का वफ कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए पूरी तरह परेशान है, हुकूमत को अपने करतूतों की वजह से खौफ सदा होना चाहिए। क्या इधर हम और उधर तुम का फैसला हो चुका? शाह महमूद कुरैशी का बड़ा सवाल। कहते हैं कि तासुर है कि नून लीग सिंध और पीपल्स पार्टी पंजाब में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लॉन्ग मार्च अपोजिशन की सियासी जरूरत है, हमें कोई एतराज नहीं, दो नून का भरपूर मुकाबला करेंगे। कोरोना छोटे बच्चों के लिए भी मोहलिक, नौमौलूद से 10 साल तक के बच्चों को 100 अमवात हो चुकी हैं। सबसे जायद 59 अमवात मार्च 2021 से नवंबर 2021 के दौरान हुई। फरवरी 2021 तक 36 बच्चे वबा से जान की बाजी हार गए। पांचवी लहर के दौरान 3 बच्चों का इंतकाल हुआ। लाहौर में पीएसएल के मार्के स्टेडियम शायकीन से भरेंगे। इब्तदाई मैच में 50% शायकीन को इजाजत देने का फैसला। 15 फरवरी तक वैक्सीनेटेड अफराद को ही स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। 16 फरवरी के बाद 100% शायकीन स्टेडियम जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र के बच्चे बगैर वैक्सीन के स्टेडियम में मैच देखेंगे। सऊदी वजीर दाखला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद का दौरा पाकिस्तान। सऊदी वजीर सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मौजूद मेहमान का वजारत दाखला का दौरा, शेख रशीद से मुलाकात शेड्यूल्ड। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई को नाअहल करार दे दिया। वफाकी वजीर के इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर पाबंदी आयद। उमर अमीन डीआई खान से पीटीआई के तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। अली अमीन गंडापुर को डीआई खान में दाखिले की इजाजत मिल गई, किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।